सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग इन और इंसर्टिंग फील्ड्स टू एग्जिस्टिंग टेबल हमने टेबल स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है कुछ डेटा भी डाल दिया है ठीक है तो अभी उसमें मुझे कुछ फील्ड और डालने हैं जैसे कि कुछ कॉलम के नाम और ऐड करने हैं है ना तो क्या कर सकते हैं भाई आप मैंने पहले जो टेबल बनाया था उसमें सपोज रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ है अब एड्रेस और फ़ोन नंबर मुझे ये दो कॉलम ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगी है ना जैसे यहाँ पे ई नाम का बनाया हुआ है तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती है तो वो टेबल में आती ही है ओपन द टेबल इन टेबल डिज़ाइन व्यू इस तरह से डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल ओपन होगा फिर हमें टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है जैसे ये डिज़ाइन व्यू में ओपन हो गया तो टेबल्स इतने सारे बने हैं एड्रेसेस और no स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट वाले टेबल पर राइट क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर आएगा तो इंसर्ट रोज करके एक ऑप्शन आता है ठीक है यहाँ पर जो रोज़ होते हैं ना वहाँ पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पर इंसर्ट रो वाला ऑप्शन करना है क्लिक राइट क्लिक करके ठीक है सो लास्ट फील्ड नेम जैसे कि फील्ड का जो भी लास्ट नाम है वहाँ पर आपको जाके ये डाल देना है नाउ जस्ट डायरेक्टली एड ए न्यू फील्ड यू इंटेंड अलोंग विद इट्स डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए नया वाला फील्ड डाल दीजिए सेव चेंजेस योर टेबल बाय क्लिकिंग सेव आइकॉन सेव आइकॉन पर क्लिक कर देना है तो ये सेव करवा देगा और डिलीट अगर करना है दैट मीन्स अगर पुराने इसमें कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा फील्ड्स हो गए हैं कुछ डिलीट करने हैं तो सिमिलरली वैसा ही करना है जैसे एडिट टेबल में जाकर आपको क्या करना है डिलीट की प्रेस करनी है पर कहाँ पर डिलीट की प्रेस करनी है जो कॉलम आपको नहीं चाहिए या जो फील्ड आपको नहीं चाहिए वो फील्ड वाले पे क्लिक करना है राइट क्लिक और डिलीट की प्रेस करनी है सबसे पहले स्टेप में टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करो और रो को सिलेक्ट करो और वो राइट क्लिक करके डिलीट करो राइट क्लिक एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन सो दे हैव आल्सो सजेस्टेड हियर द सेम ऑप्शन और जो भी चेंजेस हुए हैं डिलीट करने के बाद कम रोज़ बचेगी ना तो वहाँ पर सेव कर देना है देन नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप वॉट इज दैट आफ्टर यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेबल्स इन योर ओपन ऑफिस बेस डेटा बेस यू नीड A way to tell OpenOffice Base how to bring that information together again. The first step in this process is to define relationship between the tables. After creating relationships, you have you can create queries, forms, and reports to display information from several tables at once. A relationship works by matching data in key fields, using a field with the same name in both tables. In most cases. दिस मैचिंग फील्ड आर प्राइमरी कीज ओनली ओके एंड फ्रॉम वन टेबल विच प्रोवाइड्स ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर इच रिकॉर्ड एंड द फॉरन की इन द अनदर टेबल दैट मीन्स अब क्या होगा देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताया स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड विद दर रिजल्ट अब मैंने डेटा बेस तो बना लिया बहुत सारे टेबल्स भी बना रखे स्टूडेंट का रिजल्ट का फैकल्टीज का सब्जेक्ट्स का मार्क्स का सारे अलग अलग टेबल्स बने हैं और वो सब मिलके मेरा डेटाबेस बन गया है अब रिलेशनशिप क्या होती है कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशन है कैसे रिलेटेड है टेबल्स के फील्ड एक दूसरे के साथ तो वो फील्ड मैच करवाते हैं हम प्राइमरी की से एक टेबल में जो प्राइमरी की होता है वही फील्ड अगर दूसरे टेबल में आता है तो उसे हम फॉरेन की बोलते हैं ठीक है थीके? तो अगर स्टूडेंट एसोसिएटेड विद देर रिजल्ट ये इस तरह का रिलेशनशिप अगर दिखाना है तो यहाँ पर कुछ फील्ड ऐसे कॉमन होने चाहिए जैसे कि रोल नंबर वाला फील्ड है ठीक है तो रोल नंबर से ये एसोसिएटेड होगा जो रिज़ल्ट के टेबल में भी होगा और स्टूडेंट के टेबल में भी होगा ये रोल नंबर वाला फील्ड कॉमन है दैट मीन्स वो इंडिकेट करेगा कि इस स्टूडेंट का इस रोल नंबर वाले स्टूडेंट का रिजल्ट ये है सो दिस विल पॉइंट आउट दैट रिज़ल्ट सो दैट इज द थिंग ओनली कोई भी डिफिकल्ट है ही नहीं एकदम ईजी पार्ट है टू क्रिएट अ रिलेशनशिप अभी ये कैसे करना है क्रिएट बोथ द टेबल्स टू क्लिक मेनू टूल्स मेनू ठीक है सबसे पहले टूल्स मेनू पर क्लिक करना है फिर रिलेशनशिप्स में जाना है देन इन द डेटाबेस विंडो एड टेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर ठीक है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल्स वन बाय वन एंड क्लिक एड बटन वन बाय वन सारे सिलेक्ट कर लेने हैं और ऐड बटन डालना है क्लिक द क्लोज बटन और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करना है ठीक है कैसे करोगे देखो टूल्स वाले मेनू बार में जो टूल्स वाला है यहाँ पर क्लिक करके रिलेशनशिप्स पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद आपको ये दिखेगा टेबल्स इसमें से पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट करो यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है ठीक है और इसे बंद कर देना है उसके बाद में क्या करना है आपको ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल हियर स्टूडेंट टेबल अब इस तरह से आपका ये डेटाबेस का विंडो आता है स्क्रीन आता है तो आपको एक की प्राइमरी की ड्रैग करके दूसरे में डाल देना है सो दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप यू कैन सी हियर ओके एक में से उठा के दूसरे में ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है बस यू विल सी रिलेशनशिप क्रिएटेड ये जो एरो क्रिएट हो किया हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे वन टू वन दिस एरो इज गेटिंग क्रिएटेड वन टू वन ठीक है ये जो है ये रिलेशनशिप का एरो है स्टूडेंट वाले टेबल का रोल नंबर रिजल्ट वाले टेबल के रोल नंबर के साथ कैसे एसोसिएटेड है तो वो हुआ रिलेशनशिप क्लियर अब यहाँ पर हमें इसे सेव कर देना होता है बस आ दैट्स वॉट वॉज द एंड यही प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग करवाते हैं ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस अगर आपका डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो इसे ओपन कैसे करें फाइल मेनू पर क्लिक कर ओपन ऑप्शन आता है ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर लाइक दिस देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस टू ओपन एंड क्लिक ओपन बटन पर्टिकुलर डेटाबेस जो आपने बना रखा है वो सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करना है सो इट विल ओपन दैट डेटा बेस ओके आप बच्चों कुछ कीज दी हैं शॉर्टकट कीज जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है और ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है सो की बोर्ड शॉर्टकट्स प्रेस कंट्रोल एस टू सेव द डेटा बेस कंट्रोल ओ टू ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑल्टर एफ टू क्विट ओपन ऑफिस बेस ओपन ऑफिस बेस को क्विट करने के लिए ऑल्टर एफ फोर ये शॉर्टकट की है तो ये आपको ध्यान रखना है और नोटबुक में भी शॉर्टकट कीज करके एक पॉइंट लिखना है ठीक है ओके दैट्स ऑल सो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा डेटा बेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद द डेटा ओपन ऑफिस बेस इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा बेस टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक अ टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज नेम साइज एंड टाइप ऑफ वेरियस फील्ड्स प्राइमरी की रेफर्स टू वन और मोर फील्ड्स और कॉलम्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन दैट टेबल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ा है टेबल पढ़ा है प्राइमरी की क्या है वो भी देखा है डेटाबेस भी देखा है और उसे ऐड कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर देखा है ठीक है सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थियरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर टू अभी आप लोगों का काम ये है कि आपको ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सभी प्रॉपरली सॉल्व करना है ठीक है तो ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है और एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ जो होता है इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है ये आपको प्रोजेक्ट के तौर पे दिया जाता है ठीक है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वायर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ़ हीज और हर स्कूल विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शुड ही और शी यूज़ टू क्रिएट डेटा ऑफ द स्टूडेंट वॉट एडवांटेजेस विल द स्कूल हैव इफ सच डेटाबेस गेट्स क्रिएटेड ये आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना है प्रॉपर लिखना है ठीक है और सबमिट करना है दिस इज़ द प्रोजेक्ट क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो आपको मुझे ये डी वाला सॉल्व करके देना है और हाँ क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं और कोई क्वेरी हो तो पूछनी है ठीक है वैसे मैं ये पेजेस आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैंने टिक किया है थैंक यू